हाय कर दो, इनको हाय कर दो। काफी हो गया ना। बाप रे, तो फिर आपको आज कैसा लगा यहाँ मंदिर आके? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर चंदा इकट्ठा कर लिया, बात बताया हमने, फर्जी बैठे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा बनने वाला है एक और ट्रिप, 2024 जनवरी का फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे जने हैं और अभी हमारी गाड़ी निकल चुकी है। हेलो मुन्ना भैया। हेलो। हाय मासी। हाय। देखो ये सारे भाई बैठ चुके हैं अभी अंदर। और अभी हमें भैया प्लान कुछ है पक्का, कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं अभी कहाँ जाना है। अभी देखते हैं कहाँ जाना है। बंद है प्लान, गाड़ी में बनेगा, गाड़ी में बनेगा प्लान। लेकिन हम फुल पैक्ड हैं क्योंकि ठंड भी काफी है और कहीं जाने वाले ऐसी जगह है जो होने वाली है ठंडी। लेट्स गो। अभी फिर हमने डिसाइड करा है कि हम जाने वाले हैं धारी देवी। सो धारी देवी देहरादून से है 156 किलोमीटर्स है धारी देवी। और धारी देवी की बहुत ज़्यादा मान्यता है, कहते हैं कि जब वहाँ पर बांध बन रहा था ना तो उन्होंने वो मंदिर कहा था कि यहाँ से हटा के कहीं और जगह पर स्थापित करते हैं। और जब वो हटाया था तो कहते हैं कि केदारनाथ की जो आपदा आई थी कि वो भी एक रीज़न है। तो वापस फिर वो जो वो माँ काली का ही अवतार बोलते हैं धारी देवी को, तो वहाँ पे वापस स्थापना करी थी उनकी। तो वही हम बहुत सिग्निफिकेंट मंदिर है वो देखने जा रहे हैं अभी, हमारे उत्तराखंड में है। एंड वहाँ पे बिल्कुल पानी के बीच में बना हुआ है, काली है, उनके दिन में 3 बार रूप बदलते हैं। अगर आप वो मूर्ति देखेंगे तो 3 बार रूप बदलते हैं। बाकी जो फुल स्टोरी है वहाँ पर भी जाके बताएँगे आपको। और ये देखो ट्रैफिक पहाड़ों का, आ जाओ। ये लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पर, काफ़ी लैंडस्लाइड। ये पूरी रुका हुआ है अभी, अपने जेसीबी वाले पूरा हटा रहे हैं अभी यहाँ पर। आप लैंडस्लाइड पहाड़ों का भाई, बस यही है कि, और काफी जल्दी इन्होंने क्लीन कर दिया है लैंडस्लाइड जेसीबी ने। अच्छा। हाई कर दो, इनको हाई कर दो। काफी हो गया ना लैंडस्लाइड यहाँ पर। हाँ। वैसे मैं गिरता नहीं रही पहाड़। देहरादून, देहरादून से। अलीशा थॉमस देहरादून। अलीशा थॉमस देहरादून। अच्छा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाप रे, अभी भी गिर रहा है भाई पहाड़। लैंडस्लाइड।
अभी भी श्रीनगर जो है वो हमारा 80 किलोमीटर्स है, तो मैं श्रीनगर क्रॉस करके जाना हूँ। हो मैं तो धूल में भर गई मेरे पापा। तो अभी हमने लिया है हमारा फर्स्ट स्टॉप, अभी हम पियेंगे चाय और यहाँ से अभी रह गया है 68 किलोमीटर और। आ जाओ। अच्छा एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको, बहुत बढ़िया पूरी पहाड़ी डालें तो पहाड़ में यहाँ पे ना बहुत जगह अभी आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे अपनी पहाड़ी दालें मसाले ये सब बेचते हैं। ये देखिए तूर की दाल, मिक्स दाल, ये सब गरम दालें होती हैं, राजमा यहाँ की, ये सब अभी मम्मी लेगी भी मेरी राजमा, आप देख रहे कितने लाल राजमा है, लोबिया, हल्दी, ये देखो ये को कच्ची हल्दी, माल्टा पहाड़ी अचार इनके, अब मौसी लेंगी कुछ और रेट बताते हैं अभी आपको क्या क्या है। रिकॉर्डिंग वाइट, तेरी मम्मी यही कह रही थी ये वाइट, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है वाइट, ये वाली 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 70 दे रहे काले वाले। सबसे बढ़िया राजमा कौन सी आपके पास? सबसे बढ़िया ये वाला है, लाल राजमा जो लाल लाल बने। हाँ ये की वाली होगी आपके, और एक कहाँ गई है दूसरी? सबसे बेस्ट कौन सी है राजमा जो यहाँ की है? हाँ जो लोकल हो ना, ये तूर दाल बोलते हैं ना इसको, तूर दाल वैसे तूर दाल बोलते हैं, इसको इसको एक लाल तूर है, लाल तूर 180। अरे अच्छा गरम होती है ना तहसील में दाल, तो सर्दियों के लिए काफी अच्छी होती है दाल, ऑर्गेनिक है सब, सब ऑर्गेनिक। अच्छा धान से चावल, तो ये गेहूं का होता है चावल का? नहीं ये झंगोरा कहते हैं इसको। अच्छा झंगोरा, इसकी खीर भी बनती है ना, झंगोरा की खीर खीर बनती है, फर्स्ट क्लास झंगोरा उत्तराखंड की चीज है। जखिया अच्छा आम अचार, अजीब सा ही और क्या क्या ले रहे हो फिर? झिंगोरा मासी आप भी खा सकते हो, वो शुगर वाले खा सकते हैं चावल, झिंगोरा झिंगोरा के चावल, माल्टा माल्टा हाँ खट्टा मीठा, ये रे एक ये वाला राजमा दे दो, ये वाला, ये वाला हाँ जी आपको। हाँ ये कैसे 180-170 लगा लूंगा आपके लिए, अभी 160 कौन से लिए वो लाल वाला बोला। तो ये सब अभी हम ले रहे हैं, ये वाले दे दो चीजें उत्तराखंड की हमारी लोकल दालें। मम्मी क्या क्या लिया? ये लिया राजमा 170 मेरे हो गए ना, ये बंदर चलो भैया चलो जल्दी ये है हमारा पेट पूजा, रोटी सूखे आलू अचार और प्याज मिर्ची, और अभी हमने यहाँ से दाल मखनी भी मंगाई है, लेकिन ये हमारे घर का खाना था तो हम ये खा रहे हैं। मम्मी मजा आ रहा है? मजा आ रहा है।
धूप में बैठ के खाने का, धूप में बैठ के अभी हम ये हाईवे पे खाने हैं। दाल मखनी दो बड़ी बस दाल बना लिया दो मैं दाल मखनी भी दिखाने से चम्मच डाल ऐसे कि कितना बढ़िया दाल है। वाह वाह। तो अभी हमने कर ली है पेट पूजा और उसके बाद अभी हम यहाँ से थोड़ा सा ही पास रह गया है देवप्रयाग। देवप्रयाग भी अपने संगम के लिए, दो नदियों के संगम के लिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एक तो शायद अलकनंदा है और एक और है दूसरी, अब बहुत फेमस है, बिल्कुल ऊपर से दिखता है कि मतलब संगम हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग कलर की नदियाँ हैं वो। तो अभी हम वहीं के पहला स्टॉप लेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे वो मंदिर जो फेमस वाला है। सो लेट्स गो। वेलकम टू श्रीनगर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे? हाँ, यहीं पर है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। के लिए ये रही अपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। थोड़ा ना देख लेते हैं। बढ़िया सड़कें बनाती है। तो ये पहुंच गए हैं हम धारी देवी टेंपल और ये है अभी यहाँ का एक व्यू पॉइंट। वाओ, आ जाओ देखो कहाँ रास्ता। व्यू पॉइंट है ये, व्यू पॉइंट। यहाँ से थोड़ा ना, ये तो व्यू पॉइंट है। पूरा डूब जाता है जितना वो दिखा रहा है, मंदिर डूब जाता है, मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो पिलर। इसके पुराने के फोटो देखा गया तो दूसरी है। मूरत है ये, तूने कैसे जान लिया मन की नहीं। तो ये आ गए हम धारी देवी मंदिर। नहीं ये लगा लो ना यहाँ पर, ये देखो। गुड आफ्टरनून सर, मैं अपन 10 मिनट वेट करता हूँ। तो आज मतलब एकदम बाय चांस एक और इतनी अच्छी चीज़ हो गई कि आज है मकर संक्रांति और मतलब बाहर इतने अच्छे बोर्ड लगे हैं कि वी वेलकम यू ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, मतलब बहुत ही अच्छा आज शुभ दिन है और एकदम से हमारा ट्रिप बन गया आज का। सो वी आर वेरी लकी कि आज का हमारा यहाँ ट्रिप लग गया बिल्कुल अनप्लान। सो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। चढ़ाई थे और चढ़ लग गया कि गर्मी। चलो
तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ना 26 जुलाई 2023 में 56 फिट का ये पूरा शेड उनके लिए बनवाया गया था, ताकि बिल्कुल शेड में वो लोग चल सकें, बारिश आए कुछ आए, तो ये सुविधा बनाई गई थी। और वो है वो मंदिर, बस हम पहुँचने वाले हैं अभी तक। और ये यहाँ पे जैसी मंदिर पास आ गया है तो यहाँ पे ये है इनकी दुकानें, लोकल दुकानें, नींबू पानी, प्रशांत, ये लोकल मार्केट। ये है यहाँ पे एंट्री, और मकर संक्रांति के इन्होंने शुभ अवसर पे बहुत जगह बोर्ड भी लगाए हुए हैं। ये जय धारा माँ, चलते हैं अंदर। और इतना प्यारा व्यू है पूरा रास्ते में, ये पूरा कवर्ड है क्योंकि यहाँ पर ना पूरी सैंड है और वहाँ पर पूरी नदी है बीच में, तो यहाँ से है पूरी एंट्री। और उधर से आप एक साइड में एक और ब्रिज देख पा रहे होंगे, वो यहाँ से ना गांव में कनेक्ट करता है। और ये देखो कितनी सुंदर गंगा नदी है। और ये है वो मंदिर, प्रवेश द्वार। बोलो जय धारा देवी माता की जय। अरे क्या नजारा है यार, क्या नजारा है, बाय गॉड। पूरा रिवर पे बनाए हैं, मतलब रिवर के बीच में बनी है ये मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। जूते पहन के जाना, मैं सुता रही हूं। तो फिर आपको आज कैसा लगा यहाँ मंदिर आके? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा मंदिर और इतना अच्छा व्यू, जगह भी बहुत अच्छी है। और ये और एक बात आपने देखी, हमने प्लान नहीं किया था ये आज मकर संक्रांति पे इतने अच्छे दिन पे हम यहाँ पर आ गए आज, है ना, अचानक प्लान बन गया, इतने अच्छे दिन पे आ गए आज हम यहाँ पर, है ना। अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। चलो ये था भाई मंदिर। और मासी आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा बेटा, है ना। इतनी तबीयत खराब थी, इच्छा भी नहीं थी, हाँ फिर भी आए। हाँ अच्छा, मुझे लगा उसके घर में दाल पुणे चलता है बेटा, धारी गांव का था। वो हिस्ट्री पता है? वो पता है मंदिर के बारे? हमारे माता धारी गांव का, धारी गांव का था। क्या है धारी देवी के मंदिर कब बना था? नहीं पता ना, कुछ नहीं पता यहाँ पे, क्या बताना तो ये मंदिर के बारे। पुजारी तो आपको नहीं पता? नहीं तो दानपुन के लिए बैठे हो आप यहाँ, नहीं लेने के लिए बैठे यहाँ पर, तो मंदिर का पता है भगवान कौन सी भगवान है? हम तो माता का दर्शन लेते हैं, माता होते हैं। कौन सी माता है? ये माता काली माता है। काली माता कब यहाँ पे स्थापना हुई? कब हुई तो 2 अप्रैल कौन से सन में बात होगी? चल गई अब देखने, नहीं पता, बहुत बड़ा काफी चंदा इकट्ठा कर लिया, बात बताया हमने। फर्जी बैठे जाना। बाबा जी हाँ। मंदिर के बारे पता कुछ? पंडोल जा पूछे जागे,
पंडित से तो पूछ लिया, मेरे को लगा आपको भी पता होगा कुछ अलग बात। पंडित से आगे नहीं आओ, हम क्या आए होते हैं। नहीं थोड़ा तो बता दो कुछ मंदिर के बारे। क्या बता रहे बोलो। है कि कब स्थापना हुई थोड़ी? इतिहास स्थापना का तो भाई पैदाश नहीं रही। अच्छा यहाँ नहीं। अच्छा चलो बढ़ो आगे। बस बस सब करके बढ़ो आगे। पैसे लेने से मतलब? तो भीख मांगते हैं। तो भीख जहाँ मांग रहे जिस माता के दरबार में, उस माता के बारे तो पता होना चाहिए थोड़ा। ये हम जाना माता से आगे आए नहीं ना, पेट से अंदर से। अच्छा खड़ा जवाब लोग खड़ा देते हैं सीधा। चलो कोई बात नहीं। कितने कमा लिया? 50। बोल 50 रुपए। हाँ बस। हाँ ठीक है।